हाय फ्रेंड्स, स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसे रहेगा, यानी 25 अगस्त को मार्केट कैसे रहेगा। कल जैसे जो है कि मंथली एक्सपायरी डे है, तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे निफ्टी के चार्ट का, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है कि निफ्टी का चार्ट यहाँ पे बड़ा करता हूँ। तो हमने निफ्टी के बारे में क्या सोचा था और निफ्टी आज कैसे परफॉर्म किया, ये भी हम लोग देखेंगे। और कल कौन से लेवल इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करूंगा कि कल जैसा कि ये लो बना था निफ्टी का, और पहले जो कि हाई से निफ्टी आया था। तो जैसे मैंने कहा था कि ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, और इन बिटवीन मार्केट एक तो वॉलेटाइल रहेगा, यानी कि जब ये ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड आ जाएगा, और नीचे का ये लेवल अगर लो ब्रेक करता है तो फिर से एक डाउन ट्रेंड में मार्केट जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ तक आने के लिए और यहाँ तक जाने के लिए मार्केट को पॉजिटिव या नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा, लेकिन कंफर्मेशन ये लेवल ब्रेक करने के बाद हमको मिल सकता है। दूसरा लेवल क्या हो सकता है, अभी जैसे कि आज मार्केट पॉजिटिव हो गया, क्लोजिंग दिया है, तो दूसरा और क्या लेवल हो सकता है हम लोग देखेंगे। अगर हमने लंबा से मैंने एक लाइन डाला था ट्रेड लाइन, मार्केट ने ये तो ब्रेक किया लेकिन ये फेल भी हुआ था। तो ये फेल हुआ तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हमको हो सकता है, और ये रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग ये 17,800 के यहाँ पे आ रहा है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो और 200 पॉइंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है जो है 17,800। अगर हम लोग लाइन ड्रॉ भी करेंगे नहीं करेंगे तो भी ये जो ट्रेंड लाइन है उसे एक पता चल रहा है कि लगभग ये जो रेजिस्टेंस है 17,800 के आसपास है। आज आप देखोगे तो जैसे कि एक राउंड फिगर है जो कि निफ्टी में वो है 17,500, और आज का लो करीब लगभग वही पे है। तो जैसे मैंने कहा था कि 17,500 के एक मार्जिनली जो है कि परसों मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ था, तो मैंने कहा था कि 17,500 इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके नीचे दो दिन अगर क्लोज होता है तो ये नेगेटिव है, और दूसरे दिन ये कवर भी हो सकता है, और दूसरे दिन ये कवर भी हुआ था जैसे कि कल। तो ये जो लेवल है इसको आज फिर से वहां पे लो बनना के मार्केट ऊपर गया, तो हमारे लिए ये दो लेवल कल इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है जिसको कहते हैं हम लोग मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी में ये नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेसिस्टेंस ये लेवल के अंदर ही मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो सकता है, लेकिन अगर आइदर साइड ये नीचे ब्रेक किया या ये ऊपर ब्रेक किया तो एक बड़ा आपको एक मूवमेंट यानी ट्रेंडिंग मार्केट दिख सकता है। अभी जैसे कि हम लोग ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो कभी भी हमको नजदीक वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने चाहिए, फिर आगे वाले लेवल्स आएंगे तो जैसे आएंगे मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊंगा। तो ये हमने चार्ट पे देखा है ओवरऑल क्या सिचुएशन हो सकता है, ऊपर नीचे और नजदीक वाले लेवल भी हमने यहाँ पे देखे हैं। हम लोग ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल जो है कि मंथली एक्सपायरी है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में क्या लेवल हो सकते हैं कल हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों एक ऑप्शन चेन हम लोग देख रहे हैं 25 अगस्त का, जो कि ये मंथली एक्सपायरी है, और हम लोग थोड़ा यहाँ से नीचे जाते हैं और एटीएम के पास जाते हैं। तो आज का जो एटीएम था 70,600, और यहाँ पे हम लोग जो है कि कॉल साइड में यानी यहाँ पे ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, और पुट साइड में हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला कि ओपन इंटरेस्ट, सबसे मेजर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 1,77,000 जो है वह 17,800 स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 42,000। अगर हम लोग एक रेंज में देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये मेजर दिख रहा है जो कि 17,800 हमको जो है कि चार्ट के ऊपर भी रेसिस्टेंस दिख रहा है। हम लोग सपोर्ट के लिए जो है कि फुट में देखेंगे, अगर फुट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 17,500 ये जो लेवल है, देखिए यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है 1,80,000। अगर हम यहाँ से नीचे जाते तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, और इवन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे 17,500 से लेके जो है कि 17,800 ये कल का रेंज होगा एक्सपायरी का, यानी कि इसके बीच में ही मार्केट जो है कि एक्सपायर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का। अगर ये ब्रेक होता है तो एक ब्रेकआउट ट्रेड भी यहाँ पे आप ले सकते हो, और सेम लेवल हमारे चार्ट के ऊपर भी दिख रहा है, तो ये लेवल बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्राडे में, तो हम लोग यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट देखते हैं।
अगर हम लोग इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो जो कल का हाई था मार्केट ने ये ब्रेक नहीं किया, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, बट निफ्टी ये रेंज भी था। तो कल का जो हाई था जो यहाँ पे दिख रहा है 17,625, ये बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। जैसे कल ये ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। और अभी यहाँ पे बाइंग के लिए हम लोग 17,625 के ऊपर ही बाय करेंगे, जो कि कल भी मैंने लेवल दिया था और आज देखिए कि ये रेजिस्टेंस ये बन के आ गया और उसके ऊपर गया नहीं। सेलिंग के लिए थोड़ा हम लोग नीचे का लेवल लेते हैं, 17,560 के नीचे अगर आता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि कल भी हमने बैंक निफ्टी में भी एनालिसिस किया था, और जैसे कि बैंक निफ्टी का भी कल का जो लो है ये हमारे लिए नियर लो है, तो इसके नीचे जाएगा तो नेगेटिव है, और पॉजिटिव के लिए 39,744 के ऊपर पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो एक कल और परसों 2 दिन का जो हाई था वो ब्रेक किया है, तो ये बहुत ही अच्छा लेवल होता है कि 2 दिन का हाई ब्रेक करे। तो बैंक निफ्टी में 38,875 ये आप इमीडिएटली जो है कि टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल कल एक्ट कर सकता है। और कल के लिए जो कि आज का हाई है तो आज के हाई के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे 39,121 के ऊपर अच्छा बाइंग मिल सकता है। यहाँ पे सस्टेन होता है तो डायरेक्टली 39,744 भी ये लेवल दिखा सकता है। तो हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे शायद यही लेवल हो गए। और बैंक निफ्टी यहाँ पे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको मुझे निफ्टी से यह ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इंट्राडे में देखते हैं 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स में 39,121 ये लेवल है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए 38,875 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अकॉर्डिंगली भी आप देखो कि लास्ट में ये लेवल से मार्केट ऊपर जाने के बाद बहुत ही अच्छा शूटअप यहाँ पे किया था, तो ये 2 लेवल हम लोग कल कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आज यानी कि मैंने कल आपको जो स्टॉक बताए थे तो मैंने ऑलरेडी आपको कम स्टॉक बताए, क्योंकि मार्केट आज वोलेटाइल हो सकता है मुझे मालूम था, क्योंकि 2 दिन के बड़े गिरावट के बाद एक पॉजिटिव दिन आया था। तो जैसे कि मैंने M&M और यहाँ पे आपको सिप्ला जो रिकमेंड किया था, तो वो जो है कि दोनों भी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गए थे, तो यानी कि ये अपने वर्क नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, इसलिए तो मैंने आपको कम स्टॉक दिए थे, लेकिन कल के लिए हम लोग कुछ और भी स्टॉक देखेंगे। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल, अभी मैं आपको ये अपोलो हॉस्पिटल क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, तो एक सपोर्ट लेवल से यहाँ पे अच्छी तरह मूवमेंट कर रहा है और हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है। 4,220 के ऊपर हम लोग बाय करते हैं, 4,306 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि इंडस बैंक, अगर हम इंडस बैंक देखो तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे आपको जो कि बाइंग को दिया था और उस दिन ये वर्क नहीं हुआ, नीचे आया लेकिन टॉप लॉस नहीं हुआ था क्योंकि इनिशिएट नहीं हुआ, लेकिन फिर से वही लेवल पे जा रहा है और बहुत ही अच्छा लेवल है 1,106 का, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। 1,128 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। थर्ड जो स्टॉक है अपना एशियन पेंट, एशियन पेंट में आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो पहला ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस उसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद हैमर जैसा कैंडल आज उसने बनाया। तो कल 3,387 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाई कर सकते हो, 3,484 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे जो कि एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।